की क्लास से किसी को भी कोई डाउट है, क्योंकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, एंड ये आपकी लास्ट क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो कल की क्लास से या अब तक की पूरी क्लास से किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लो। हेलो मैम, टाइप्स ऑफ जी डॉक्टर जी। इवोल्यूशन। हेलो मैम, हाँ, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में और चेकलिस्ट क्या है? क्वालिटेटिव इवोल्यूशन में ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल में चेकलिस्ट है, सेकेंड वाला वो क्या है? चेकलिस्ट से भी हम इवेल्युएशन करते हैं। सपोज हमने एक चेकलिस्ट बनाई कि एक बच्चे में हम ऑनेस्टी देखेंगे कितनी है, कंपैशन देखेंगे, कुछ क्वालिटीज हमने लिखी और हमने एक लिस्ट बना ली। फिर उस बच्चे को हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद में हम उस पर टिक करते गए कि अच्छा ये करेक्ट है तो हमने इसमें टिक कर दिया, ऑनेस्टी है तो उस पर टिक कर दिया, जो नहीं है उसको क्रॉस कर दिया। जैसे हम अपने घर के काम करने के लिए कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं कि जो काम हमारा हो जाता है उस पर हम टिक कर देते हैं, ये हो गया। इसमें प्रोग्रेस कार्ड होता है वैसे, उसमें वो बता देते हैं स्पोर्ट्स में कितना हाँ है, कब है या नहीं, हाँ बिहेवियर का ऐसे। ओके, हाँ जी। शुरू की क्लासेस से लेके फर्स्ट क्लास से लेके आपकी जो कल क्लास हुई है उन सारी क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। आज हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एंड आपके डाउट्स लेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम, जो कल आपने लास्ट में बताया था वो वाला हैरार्की क्या था? गैगनीज हायरार्की ऑफ टीचिंग। हाँ, वो एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए प्लीज। सेकंड वो वाली पीपीटी ओपन कर लेती हूँ एक बार। जी और कोई कुछ कह रहे हैं क्या क्लास में? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं पीपीटी कल वाली देख रही थी। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी मैम, कल ये हमने पढ़ा था गैगनी हायरार्की ऑफ लर्निंग। गैगनी ने जो एक हायरार्की दी थी लर्निंग की, उसमें उन्होंने क्या बताया था, कैसे चीजों को अरेंज किया था। आशीष जी, आपको होस्ट अगर कोई आए तो आप उसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? जी मैम, मैं कर रहा हूँ। ओके। तो ये गैगनी ने, जैसे आपने इसके पहले एक हायरार्की पढ़ी थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी थी आपने, ठीक है? तो अब ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आपका आता है पॉइंट। तो रूम का आपने देखा, उन्होंने तीन उसमें डिवाइड किया था। तो गैगने ने क्या किया, एक इन्होंने हायरार्की बताई, कहा कि जब भी हम कोई सीखते हैं तो हम लोवेस्ट से हाईएस्ट लेवल में जाते हैं। तो सिग्नल लर्निंग, कुछ उन्होंने बातें बताई, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, एग्जाम्पल दे दे के एक्सप्लेन किया और कहा कि ये हमारा लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे ये है आपका सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी भी समझाने के लिए, कभी मैंने समझाया था, एंड आप रेडी रहोगे, मैं किसी से भी इसका एग्जाम्पल पूछ लूंगी। सिग्नल लर्निंग में ये है कि जब बच्चा किसी सिग्नल को देख के सीखता है, सपोज अगर आपने उसको बताया कि सिग्नल इन द सेंस कि कुछ चीजें आपने बता दी कि उसकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी कि अगर सपोज आपने कहा कि रोड पे जा रहे हो, अगर आपको रेड सिंबल दिखे, रेड लाइट दिखे, उसका मतलब है रुकने का, ठीक है? या बहुत अगर लोवेस्ट लेवल पे हम इसको देखें कि बच्चा पार्टी में जाता है, ठीक
ठीक है, ये किसी के घर जाता है वो शैतानियां करना शुरू करता है, तो मम्मी या पापा जैसे उसको एक आंख दिखाते हैं वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो ये एक तरह की सिग्नल लर्निंग है कि उसने कुछ देखा एंड उस चीज को देख कर ही उसको ये एहसास हो गया कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, सिग्नल लर्निंग से मुझे आप लोग एक कोई एग्जाम्पल दोगे, आप में से कोई भी मुझे एक एग्जाम्पल दो सिग्नल लर्निंग का। मैम, जैसे कल आपने उसमें लिखा था कि रेड लाइट पे वो सिग्नल देख के, रेड को देख के रुक जाते हैं, वैसे ही मतलब एक सिग्नल मिलना हमें। हाँ, मतलब कुछ उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलना एंड देन उसके बाद बच्चा ये समझ जाएगा कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल लर्निंग हो गया। स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब ये है कि जैसे ही आप कुछ देखो, जैसे आपने अगर गर्म चीज पे आपका हाथ पड़ गया तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लोगे वहां से, कि आपको कुछ स्टिमुलस मिला कि ये हॉट है एंड आपने अपना हाथ वहां पे हटा लिया। तो स्टिमुलस लर्निंग में ये है कि जैसे अभी हमारे पास में फोन आ गए, तो फोन जब आता है तो हम इतना यूज टू हो चुके हैं कि हम कभी हमारा मन हुआ फोन उठाने का, कभी उठाया कभी नहीं उठाया। लेकिन अगर एक बच्चा है, आप उसको नया नया फोन सिखाओ या नया नया फोन यूज करना सीखा है, तो अगर फोन पे बेल बज रही है, जैसे ही बेल बजेगी बच्चे की कोशिश रहेगी कि वो दौड़ के जाए एंड फोन को उठा ले, उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहेगा इस चीज का। तो जो फोन की बेल बज रही है वो स्टिमुलस है, बच्चा दौड़ा फोन को उठाने के लिए वो उसका एक रिस्पॉन्स है। डोर बेल बजी, बच्चा तुरंत भागता दरवाजे की तरफ, कोई आया होगा, तो ये एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हो गया। चेन लर्निंग कि जब बच्चा कुछ चीजों को लिंक करना सीख ले एंड देन वो उसको लिंक करके चीजों को देखने लगे। जैसे अगर एक बच्चा है वो स्कूल जाता है तो उसकी मम्मी सुबह उसको तैयार करती है, उसके बाल बनाती हैं, उसका टिफिन बनाती हैं, बॉटल देती हैं, उसका बैग रखती हैं अच्छे से, शूज बनाती हैं, ठीक है, देन उसको बस तक छोड़ के आती हैं वो। तो अगर कोई बच्चा है, लड़की है, लड़का है, अपनी डॉल से खेल रहा है एंड वो सोच रहा है कि आज मैं ऐसा खेलूंगा कि अपनी डॉल स्कूल भेजूंगा, तो वो अपनी डॉल के साथ में वो सब चीजें करेगी जो उसकी मदर ने उसके साथ की। वो उसके कोम करेगी, उसको ड्रेस पहनाएगी, उसको बैग टांगेगी, टिफिन बनाएगी उसका, ठीक है, ये सब चीजें सिंबॉलिक होंगी। बट वो जो बच्चा है वो अपनी चीजों को लिंक कर रहा है कि कैसे उसकी मदर उसके लिए सब कुछ करती है जब तो वो स्कूल जाती है, सेम चीज वो अपनी डॉल के लिए करेगी। तो चेनिंग क्या हुआ, बच्चे ने चीजों को लिंक करना शुरू कर दिया। वर्बल एसोसिएशन में कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं बच्चे से एंड बच्चा हमारी बातों को सुन के उन चीजों को जोड़ रहा है, कि सपोज क्लास में बताया जाता है कि जो चीज राउंड है, जो चीज गोल है, वो चीज सर्कल होगी। ठीक है, बच्चों को शेप्स के बारे में बताया गया कि जो चीज राउंड है वो सर्कल है, जो चार अगर दो साइड अपोजिट इक्वल है उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल है। तो बच्चे उसके बाद बच्चे ने कह दिया कि अगर आपने उसको एक बॉल दिखा दी एंड पूछा कि ये क्या है, तो वो आपको तुरंत अप्लाई करके बता देगा कि ये चीज आपकी सर्कल है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने जो भी चीज बच्चे को बताई, बच्चे ने उसको क्या किया कि आपकी बातों को एसोसिएट करके उस चीज से उसने लर्न कर लिया। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन कि जब बच्चा अलग अलग शेप्स में अंतर करना सीख जाए तो उसको मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, कि आपने एक ब्लैक बोर्ड पे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब कुछ ड्रॉ कर दिया, तो बच्चा उसको देख के बता पा रहा है कि ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है एंड ऑल दिस। कॉन्सेप्ट लर्निंग में अब चीजों को अलग करने के साथ साथ में वो अगर उसकी प्रॉपर्टीज भी सारी जान जाए कि सपोज अगर स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा, तो इन सब चीजों के बारे में भी अगर उसको पता चल जाएगा तो वो होगा कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, कि उसको उस चीज का कॉन्सेप्ट मालूम चल गया है। रूल लर्निंग में क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी चीज पढ़ाई गई कि 2 क्रॉस 2 4 होता है, अगर हमें पढ़ाया गया तो अगर बच्चा गया शॉप पे, उसने 2 टॉफी ली 2 रुपीज की ली, जब उसने वहां पे मल्टीप्लाई करके देखा दुकानदार के बताने से पहले, जब उसने बता दिया, उसने अपने मन में सोचा कि मुझे 4 रुपीज पे करने हैं, तो इसमें उसने क्या किया कि उसको क्लास में जो पढ़ाया गया था उस चीज को उसने अप्लाई किया वहां पे। तो ये है रूल लर्निंग, आपको ये मालूम चल जाए कि आपने कब कौन सी चीज अप्लाई करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होता है कि ऊपर का जितना भी नॉलेज है, इन सारे नॉलेज का यूज करके आपके सामने कोई प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सको। तो ये गैगने की हायरार्की है लर्निंग की, गैगने ने दी थी। तो सिग्नल लर्निंग लोवेस्ट लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईएस्ट लेवल है,
और ऊपर के जो चार लेवल है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, ये आता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, कि इसमें बच्चे का जो नॉलेज है उस चीज को बिल्ड करने की कोशिश होती है। तो ये चार कॉग्निटिव में आते हैं। नीचे की जो चार है वर्बल चेनिंग स्टिमुलस सिग्नल, ये आते हैं बिहेवियर एस्पेक्ट में, क्योंकि इससे बच्चे के बिहेवियर में चेंज होता है और इनसे बच्चे के नॉलेज में चेंज होता है। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे नीचे के जो चार है वो बिहेवियर में आएंगे, ऊपर के जो चार है वो कॉग्निटिव में आएंगे। और जो सिग्नल लर्निंग है इसको पैवलो ने प्रपोज किया था, तो इसको इनके नाम से भी जानते हैं एंड इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे को कुछ कुछ बताना या तो किसी भी चीज के लिए तैयार करना, तो होती है कंडीशनिंग, कि अपने अकॉर्डिंग किसी चीज को ढालना, तो हम उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। और देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो स्किनर ने दी थी एंड इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सिग्नल लर्निंग को क्लासिकल कंडीशनिंग बोलेंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हो चार्ट, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये है गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग में आपके सिलेबस में दो है, एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हम पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में, ये छूट गया था वहां पे, ये हम वहां पे नहीं पढ़ पाए थे, तो ये अभी हमने पढ़ा। ये है गैगने हायरार्की। ओके, जिससे पूछा था उसको क्लियर हो गया ये? यस मैम। कोई डाउट है किसी को इसमें? मैम स्टिमुलस फिर एक बार बताइए। स्टिमुलस, स्टिमुलस की हिंदी होती है उद्यापित करना या उद्यापन हो जाना, कि जैसे किसी भी चीज को देखकर, जैसे आपने गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया और आपने गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा, तो आपको किसी को किसी दूसरा आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा कि आप ये हाथ हटा लो। किसी अगर गर्म चीज पे आपने हाथ रखा तो आपका खुद का ऐसा एक रिफ्लेक्स एक्शन आएगा कि आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे। तो जो गर्म चीज है आपकी, जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है, वो आपका स्टिमुलस होगा एंड आपने अपना हाथ हटा लिया, ये रिस्पॉन्स होगा। तो जब बच्चे को ये चीज सिखाई जाए, ठीक है, कि कुछ ऐसा अगर डोरबेल बज रही है, तो जब डोरबेल बजती है पहले उसको नहीं पता होता ये क्या होता है, जब वो देख रहा है घर में कि डोरबेल बज रही है, मम्मी जाके दरवाजा खोल रही है या पापा जाके दरवाजा खोल रहे हैं, तो अब वो धीरे धीरे ये चीज सीख रहा है कि जब बेल बजती है तो हमें जाके डोर ओपन करना है। ठीक है, तो ये डोर बजना एक स्टिमुलस हो गया, दरवाजा खोलना उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो जब बच्चे को किसी स्टिमुलस के बेसिस पे ये सिखाया जाता है कि उसे क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। ओके मैम, थैंक यू। मैम वर्बल एसोसिएट था, एक बार बता दीजिएगा एसोसिएशन का। वर्बल एसोसिएशन में ये है कि जब हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, बच्चा उन हमारे वर्ड्स को सुन के उनको जोड़ के कुछ सीख रहा हो, वह आपका वर्बल एसोसिएशन। ठीक, जैसे मैंने क्लास में बताया कि एप्पल एक तरह का फ्रूट होता है, कलर में लाल रंग का होता है, दिखने में हल्का सा गोल होता है। ठीक है, तो जब और उसके बाद हमने बच्चों को एप्पल दिखा दिया, तो अब बच्चा ये समझ जाएगा कि अच्छा इस चीज की बात हो रही थी, तो पहले मैंने उसको एप्पल नहीं दिखाया, पहले मैंने उसको सारी बातें बताई एप्पल के बारे में, देन जब मैंने उसको शो किया तो तुरंत पहचान जाएगा। ठीक है, तो उसने मेरी बातों से कुछ सीखा, मेरी बातों को जोड़ के कुछ सीखा, तो ये है वर्बल एसोसिएशन। ओके, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कुछ जो भी आपके बच गए। वैसे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आपने, फिर भी कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम देखेंगे। चलिए, स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर। अगर आप ये चाह रहे हो कि जो भी आप पढ़ा रहे हो वो इफेक्टिव हो, वो प्रभावी हो, तो टीचिंग के साथ में टेस्ट करना भी जरूरी है। दूसरा, फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फीडबैक, जो चार तरह के असेसमेंट थे हमारे,
आप मुझे पहले ये बताओ, कल की क्लास में जो था वो मुझे ये बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर असेसमेंट कितने तरह का होता है, असेसमेंट या इवैल्यूएशन कितने टाइप्स का होगा? टू टाइप्स का मैम, कौन कौन सा? ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने टाइप का होगा? फोर टाइप बताया था मैम आपने. अब एक बच्चा मुझे माइक ऑन करके फटाफट इन चारों असेसमेंट के बारे में दो दो लाइनें बता दे, सिर्फ दो लाइन. मैं बताऊं? जी बताइए रश्मि. मैम जो फर्स्ट होता है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मीन्स होता है कि बिफोर प्रोग्राम एक टेस्ट लिया जाता है, जो मतलब बिफोर टीचिंग कोई भी प्रोग्राम को टीच करने से पहले एक टेस्ट लिया जाता है कि उसमें बच्चे की एबिलिटी देखी जाती है कि वो कितना उसको ज्ञान है उस सब्जेक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट का करिकुलम डिसाइड किया जाएगा. दूसरा होता है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. इसमें क्या होता है, जब हम कोई कोर्स प्रोग्राम चलता होता है उसमें बीच बीच में हम जो टेस्ट लेते हैं, जैसे अगर कोई ईयरली प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें बीच में मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो होता है फॉर्मेटिव प्रोग्राम. डायग्नोस्टिक प्रोग्राम होता है जिसमें उसमें पता लगाते हैं कि अगर जो फॉर्मेटिव के रिजल्ट्स हैं, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसमें उसका पता लगाना होता है. और जो सबमिटिव होता है, सबमिटिव होता है कि जैसे कोई ईयरली प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें प्रोग्राम के आखिरी में इवेल्युएट किया जाता है, कोई भी एग्जाम या टेस्ट लिया जाता है, ऐसा होता है सबमिटिव इवेल्युएशन. वेरी गुड, रश्मि जी ने एक एक बात सी बताई. मैंने सिर्फ इसका रिवीजन इसलिए करवाया कि आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके इवैल्यूएशन पे हैं, तो जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे उन्हें बिल्कुल कुछ नया सा ना लगे, वो क्वेश्चन कर पाए. तो ये चार तरह का इवैल्यूएशन था आपका ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि फीडबैक डज नॉट फॉर्म एंड इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक नहीं होता है. ठीक है, अब आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट पता चल गया क्या होता है, फीडबैक आपको पता ही है क्या होता है, आप इसका आंसर करेंगे. मैम बी है, वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट. बी में लिखा है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. नहीं ना मैम, बी में लिखा है कि वन ए एंड आर आर इनकर, ओ सॉरी, वन इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स मैम, सी. सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे. आपका आंसर बिल्कुल सही है कि ये जो लाइन है आपकी, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर. अगर आप बच्चे को पढ़ाते ही जा रहे हो उससे कभी कुछ पूछ ही नहीं रहे हो कि उसको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपकी जो टीचिंग है उसे लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है. तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है. और आप एक चीज याद रखेंगे, वर्ड्स हमेशा वो वर्ड्स को घुमा के आपसे पूछेंगे. अब यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है, आपने आपके सिलेबस में इवेल्युएशन है, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा टेस्टिंग लिखा हुआ है, हमने तो पढ़ा था कि इवेल्युएशन जरूरी है तो ये सेंटेंस गलत होगा. वो वर्ड्स के हमेशा सिनोनिम यूज करेंगे, एक जैसे वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन आपने अच्छे से उसको पढ़ के आंसर करना है. और दूसरी बात कि आपको जो ऑप्शन है वो भी पढ़ लेने हैं, कि पता चला आपका आपको आंसर तो पता है लेकिन आप जल्दीबाजी में लगा कुछ और रहे हैं. फिर दूसरा कह रहे हैं कि फीडबैक इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है. फीडबैक बहुत जरूरी कंपोनेंट है एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट होता ही इसीलिए है कि बच्चे को आप फीडबैक दे सको. ठीक है, अगर फीडबैक नहीं देना होता है तो इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा कि बच्चा भी जाने कि वो कितना सीख रहा है, पेरेंट्स भी जाने और टीचर भी जाने कि उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा. तो फीडबैक सारे इवैल्यूएशन का बहुत जरूरी पार्ट है.
तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा कि वन इज करेक्ट बट टू इज फॉल्स. चलो सेकेंड क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट यूजुअली हैव ग्रुप जनरल मैगजीन एंड राइट इन देम ऑन रेगुलर बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जनरलिंग एज अ मैथड ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट. कि आपका एक जो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वहां पे एक जनरल या मैगजीन है जिसमें क्या होता है बच्चे रेगुलर बेसिस पे लिख रहे हैं, ठीक है. तो इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है कि जो आप किसी जनरल में रेगुलर बेसिस पे लिख रहे हो तो उससे आपको ये चीज पता चलेगी. थ्री मैम, ए और बी मैम. आपके कॉलेज में एक जनरल है बच्चे उसमें रेगुलर बेसिस पे लिख रहे हैं तो उस अगर कोई टीचर उस जनरल को देखे तो उससे क्या असेसमेंट हो सकता है. उसमें ये देख सकता है कि एज अ टूल दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड आइडिया. उस वो जनरल एक तरह का टूल की तरह काम कर रहा है कि बच्चे उसमें अपने थॉट एंड आइडिया को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. और दूसरा एक मौका है कि वो दिखा सके कि उन्होंने क्या सीखा है, ठीक है. एज अ वे टू सेटल स्कोर्स विद अथॉरिटी, अगर उन्हें अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम है तो वो जनरल में नहीं लिखेंगे, सीधे जाके उनसे बात करेंगे या फिर उनके नाम की एप्लीकेशन लिखेंगे, जनरल में नहीं लिखेंगे. एज अ वे टू कोप विद स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस का भी कोई लेना नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए एंड बी, जो कि आंसर सी है और आप सबने सही से आंसर किया. फिर क्वेश्चन है, फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट इफेक्टिव. नीचे जो फैक्टर्स लिखे हैं उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में. नीचे फैक्टर्स में लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. मैम डी चार, सप्लीमेंटरी टेक्निकल डिवाइसेस रिलेटेड फैक्टर. जी लक्ष्य जी कुछ कहना है आपको. वो मैम वो गलती से हो गया था. एक बच्चे ने फोर आंसर किया, सारे बच्चे फोर आंसर कर रहे हैं. इसको लर्निंग में एक चीज कहते हैं कि भेड़ चाल पे चलना, या बोलते हैं एड पॉपुलम, कि एक बच्चे ने फोर किया तो सबने फोर करना है. मैं आपको मेरा मन कर रहा है आप सामने होते हैं ना इतना डांटते आप लोगों को कि आप सोचते मैंने ये आंसर क्यों कर दिया. इसमें कह रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव, एक बात बताइए इस ऑप्शन में आपको साफ साफ सप्लीमेंट्री दिख रहा है. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि मेन चीज अगर कोई है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज है उसको तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं. सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइस फैक्टर, तो जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए डिवाइसेस होते हैं वो सब तो एक तरह का आपका हेल्प मटेरियल या सपोर्ट मटेरियल होता है ना. मेन तो टीचर होता है, जब टीचर ही नहीं होगा तो उस सपोर्ट मटेरियल का आप क्या कर लोगे. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर पूरी दुनिया इसमें जो ग्लोबली जोड़ना है तो जैसे नेट है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, तो वो वजह से सप्लीमेंट्री टूल ऐसे मैंने सोचा मैम, सो मैंने पहले फोर्थ आंसर किया. यस मैम, इसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देख कर ही किया था. तो आपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखा, आप लोगों को मोस्ट इफेक्टिव नहीं दिखा कि विदाउट टीचर, अगर टीचर नहीं है, एक आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, टीचर ही नहीं है उसमें, सब कुछ है, प्रोजेक्टर है, बुक है, कॉपी किताब है, हर चीज है, तो ये तो आपके हमेशा सपोर्ट मटेरियल होते हैं ना. टेक्नोलॉजी क्या करती है, सिर्फ सपोर्ट करती है मेन टीचिंग में.
सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? चेंज करना है किसी को कि डी पे ही रहना है? नहीं मैम, थ्री होगा मैम. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है कॉग्निटिव बिहेवियर का इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे आपको. देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सिर्फ उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव बिहेवियर का करेक्ट सीक्वेंस बताइए. ठीक है, तो ये ब्लूम्स का पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका मेरे को सही सीक्वेंस बताइए क्या है. और एक चीज और, वैसे तो ऐसा नहीं होगा लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कोई भी चीज लिखी, एनालिसिस लिखा हुआ है, तो मे बी वो एनालिसिस ना लिख के उसका मिलता जुलता कोई वर्ड लिख दे वहां पे. ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं. मैम सी है ना इसका आंसर? सी है मैम. सिर्फ तीन ही लोग आंसर दिए हैं भाई, इसका आंसर नहीं आ रहा आपको? करेक्ट आंसर इसका सी है. मुझे लक्ष्य जी आप मुझे एक बार कॉग्निटिव बिहेवियर का जो एक सिक्स चीजें थी उनके सीक्वेंस के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको याद रखने के लिए, वो मुझे बता दीजिए क्या है. मैम वो KCA2SE. KCA2SE. सो फर्स्ट में अगर देखिए तो K से नॉलेज हो जाएगा, C से कम्प्रिहेंशन है. कम्प्रिहेंशन वर्ड नहीं दिया हुआ है, कम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग दी हुई है. तो सेकंड पे हम रखेंगे अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, 1-3 KCA2 एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, उसके बाद में सिंथेसिस. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. क्लियर है? इसमें देखिए नाम नहीं दिया गया ब्लूम्स का, बस कॉग्निटिव बिहेवियर दिया गया. मे बी इन फ्यूचर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि साइकोमोटर को अरेंज करिए या इफेक्टिव डोमेन को अरेंज करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीटी इंश्योर्स हाई रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन centered on effective and cognitive domains of behavior. CBT की एक बहुत विश्वसनीय तरीका है evaluation का, जिससे हम effectively किसी का behavior check कर सकते हैं. Second, support material in the form of programmed instruction model have a tremendous potential to maximize learning. अगर हम learning की बात करें तो जो हमारे support materials होते हैं उनकी वजह से लर्निंग को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ये दो ऑप्शन हैं, इनके आंसर दीजिए मुझे. मैम ए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू.
जो दूसरा ऑप्शन है वो तो आपका बिल्कुल सही है कि सपोर्ट मटेरियल से लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल में इतनी क्षमता होती है कि लर्निंग को वो मैक्सिमाइज कर सके। पहला क्वेश्चन, आपने दो चार अच्छे अच्छे वर्ड देखे, आपने समझ लिया कि आंसर तो पक्का है, आपने देखा कि अच्छा सीबीटी बहुत रिलायबल है, बहुत विश्वसनीय है, इसकी वैलिडिटी है इवैल्यूएशन के प्रोसेस में, हाँ है, ठीक है, तो पहला तो सही होगा ही होगा। आप यहाँ पे ये देखिए कि सीबीटी से वो किस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहे हैं। वो सीबीटी से इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहे हैं डोमेन्स ऑफ बिहेवियर, कि किसी का बिहेवियर कैसा है, उस चीज को हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से जज करेंगे। जबकि सीबीटी जो है वो मेनली किस लिए होता है, सीबीटी हाई रिलेबल है, वैलिड है, बट किस चीज के लिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है आपका उसको जज करने के लिए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आपको टेस्ट करने के सीबीटी बेस्ट है। क्या बिहेवियर के लिए कभी आपने सीबीटी का एग्जाम दिया है कोई कोई ऐसा क्लास में, जो सारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, जिन बच्चों ने ए आंसर किया तो उन्होंने कभी भी सीबीटी का यूज करके अपने बिहेवियर का टेस्ट दिया है? मैम एक एग्जाम होता है ऐसा। कौन सा एग्जाम होता है मैम? आजकल जो इसके लिए करते हैं ना, करियर काउंसलिंग के लिए करते हैं, उसमें भी सीबीटी हाँ, होता है। मैं आपकी बात से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीटी बिहेवियर के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। तो क्या सीबीटी है मोस्ट इफेक्टिव? किसी का अगर आपने बिहेवियर एटीट्यूड पे उसको जज करना है, बेस्ट वे तो ऑब्जर्वेशन मेथड ही तो होगा उसका, कि सीबीटी होगा। अगर आप सीबीटी से जज भी कर रहे हो तो इसमें तो यही हुआ कि आपके जो रिसोर्स है आप उनका इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन देखिए एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव, लिखा हुआ है इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ बिहेवियर। सीबीटी किसी के बिहेवियर को जज करने का एक तरीका हो सकता है, बट इफेक्टिव तरीका नहीं हो सकता है। आशीष जी क्लियर हुआ मैं क्या कह रही थी? आप एग्री कर रहे हो मेरी बात से या मुझे आप कन्विंस करिए अपनी बात से? मैम वैसे क्या नाम है, अगर देखें जो ये जितने भी टेस्टिंग होती है ना, इसमें करियर काउंसलिंग के लिए आजकल जो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, उसमें वो सीबीटी को ज्यादा मतलब वो करते हैं, प्रेफर करते हैं जितने भी टीचर्स हैं। मैम लेकिन वो पूरी तरह से ये नहीं हो सकता क्वेश्चन आंसर से। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रेडिक्टर वेरिएबल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। टीचिंग इफेक्टिव हो रही है तो उसको आप ये इस चीज से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कंटेंट कैसा है, किस कंटेंट से पढ़ाया जा रहा है और कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है। गुड एंड कम्युनिकेटिव टीचर इवोक्स रिलेटिवली लेस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एक अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चों से कम सवाल पूछता है ताकि वो अच्छे से सीख सके। First is correct, but statement 2 is false. Ma'am, question ek baar aur dikha lijiye please. एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों से कम क्वेश्चन पूछता है ताकि वो अच्छे से सीख सके। ये चीज सही नहीं है क्योंकि अगर आप
बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन नहीं करोगे तो वो उस चीज में एंगेज नहीं होंगे। बच्चा क्लास में अटेंटिव तब रहता है जब उसको लगता है कि मुझसे किसी भी टाइम कुछ भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज मे भी वो ये सोचे कि ठीक है टीचर तो पढ़ा रही है, मैं बाद में किसी से समझ लूंगा, दोस्त से पूछ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो क्वेश्चन पूछना ये एक इफेक्टिव टीचिंग का एग्जाम्पल है और गुड टीचर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नहीं पूछता ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर है आपका सी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज फॉल्स। मैम इसमें जो पिछले क्वेश्चन में जो प्रिडिक्टिव भी है वो लिखा है वेरिएबल, वो क्या होता है एक बार बता दीजिए। नहीं प्रिडिक्टिव ये कोई चीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लास का कंटेंट और स्टाइल देख रहे हो कम्युनिकेशन का तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि टीचिंग इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। ये कोई अलग से वेरिएबल नहीं है, ठीक। इन्होंने वर्ड मतलब एक लैंग्वेज लिखी है इन्होंने, ठीक है, ये कोई चीज नहीं है। ये कुछ की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग के, आप इनको एक बार अच्छे से देख लोगे, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ समझाने जैसा भी नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। की बिहेवियर ये आपके पांच दिए हुए हैं सिलेबस में, इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का है, की बिहेवियर कौन सा नहीं है, ठीक है। और अगर इनके सिवा बाकी जो भी बिहेवियर दिए हुए हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी इफेक्टिव टीचिंग के हैं, बट वो आपके सपोर्टिव होंगे, वो की बिहेवियर नहीं होंगे, कि मतलब बेसिक या फंडामेंटल नहीं होंगे, वो आपके सपोर्टिव बिहेवियर हो जाएंगे। कि इफेक्टिव टीचिंग अगर हो रही है उसका की बिहेवियर है कि लेसन में क्लैरिटी हो, टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कि जो भी इंस्ट्रक्शन का तरीका है टीचर का उसमें वैरायटी हो, कि वो एक दिन सपोज क्लास में उसने पढ़ा दिया आके दूसरे दिन क्लास में पीपीटी दिखा दी, तीसरे दिन बच्चों से टेस्ट ले लिया, तो एक वैरायटी हो उस इंस्ट्रक्शन में। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एक उसका टास्क की तरफ झुकाव हो कि वो एक टास्क लेके चल रहा है कि ये मुझे अचीव करना है। एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में एंगेजमेंट हो, और इन सब चीजों के होने के साथ साथ में बच्चों का जो सक्सेस रेट हो वो अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है कि बच्चों को लेसन में क्लैरिटी भी है, इंस्ट्रक्शन में वैरायटी भी है, टास्क ओरिएंटेड क्लास भी हो रही है, लर्निंग प्रोसेस में भी एंगेजमेंट है, बट बच्चों का सक्सेस रेट ही नहीं है, ठीक है, तो हम उनको इफेक्टिव टीचिंग नहीं कहेंगे। ये पांच चीजें हैं आपके सिलेबस में, पांचों से सीधे क्वेश्चन आता है आपका। कि देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट से आप आंसर कर देंगे कि इसका आंसर क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1-4। और अगर मैंने आपको ये नहीं बताया होता, आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखते तो आपको लगता कि अच्छा लेसन क्लैरिटी ये भी होगा, इंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये भी होगा, बच्चों के आइडिया कंट्रीब्यूशन को यूज करना ये भी होगा, क्योंकि टीचर बच्चों के आइडिया यूज करेगा तो बच्चे इनकरेज होंगे आइडियाज देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो आपका बच्चों के आइडिया को यूज करना, स्ट्रक्चरिंग करना कंटेंट की, ये सब आपकी हेल्प तो करते हैं टीचिंग में, बट की बिहेवियर नहीं होते हैं, क्लियर है। तो ये आप एक बार देख लेंगे, दो चार बार देखेंगे, आपको ये खुद से ही समझ आ जाएगा कि की बिहेवियर क्या है क्या नहीं है। ये तो हो गया था, ये एक टेबल है, आपको इसको मैच करना है, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं एंड लिंक करके भी कर सकते हैं। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू नॉलेज, इमोशनल इज रिलेटेड टू लाइक सम एट्रीब्यूट्स ऑफ expressions and all things. Social is जब हम एक relation बनाते हैं society में वो social behavior होता है. Verbal means like joining the word या verbal association जिसको बोलते हैं आप. मैम इसका आंसर B है मैम, second है मैम.
आंसर करिए आप लोग, रश्मि जी, मनीषा जी, किरण जी, संध्या जी, प्रियंका जी, पुष्पा जी। सबसे पहले मैंने ओरली हर जवाब मैं पहले ओरली दे रही हूँ ना, फिर मैं टाइप कर रही हूँ। मनीषा का आंसर सबसे पहले आता है, बाकी लोग आंसर करें। लक्ष्य जी का आंसर कहाँ है आपका? साक्षी जी मैम, क्वेश्चन एक बार और, क्वेश्चन एक बार। मैम वर्बल का एक बार मीनिंग बताइएगा। ये वर्बल आप वो समझ लीजिए, जैसे वर्बल एसोसिएशन देखा था आपने गैगरी में, यही कि आप मतलब आप कुछ बात बता सकते हो या आप किसी की बात को अच्छे से समझ के कुछ अपना एक आइडिया बना सकते हो, दैट इज वर्बल। बोलते ना तो वर्बली बताया गया, तुम्हें बोल के बताया गया, दैट इज वर्बल। एलिमिनेशन से हो जाता है। सोशल का मतलब क्या है कि सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, इसका तो आपका हो जाएगा ये एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। इमोशनल, एबिलिटी टू रीड अदर फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरे के एक्सप्रेशन को देख के अगर हम कुछ समझ जाए तो हम बोलते कि हमारे अंदर इमोशनल एबिलिटी है। कॉग्निटिव, एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ये नॉलेज से जुड़ा हुआ है, इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वर्बल इज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तरीका नंबर आपका, हु हैज कंट्रोल ओवर सेल्फ, अपने ऊपर, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ डिलीवरी, क्लासरूम में इन सब के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? बच्चे का, टीचर का, ऑडियंस का, या सभी का? टीचर का मैम, टीचर का। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो इफेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट नहीं है? बच्चों से सवाल पूछना ताकि हम समझ पाए कि वो कितना समझे हैं, बच्चे को फीडबैक देना, और कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होना कि अगर आप कुछ समझा रहे हो और आपने प्लान किया है कि मैं दो दिन कंप्लीट करूंगा, तो अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप उसको तीन दिन, चार दिन जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में बच्चे को सिखाओ। देन रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, बच्चे कुछ बोल रहे हैं तुरंत उनको डांटना, उनको चिपका देना, रिएक्ट करना। थ्री मैम, थ्री। आप ऑप्शंस फिर से पढ़िए एक बार, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, देन आंसर करिए। मैम फोर लग रहा है मुझे तो, फोर लग रहा है। यस मैम फोर है। जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैंने जब मैं पीपीटी बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं इस क्लास में एक चीज को खत्म कर दूंगी। जैसे कल की मेरी क्लास थी, मैंने उसमें गैग ने पढ़ा दिया था बच्चों को, जो बच्चे थे समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया। तो सपोज अगर मुझसे आज किसी ने पूछा कि मैम एक बार मुझे आप गैग ने बता दीजिए, मुझे नहीं समझ आया है, तो मतलब मुझको क्या होना, मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समझाना चाहिए था कि नहीं समझाना चाहिए था, जबकि आज की क्लास तो दूसरे पर्पज के लिए थी। मैम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट आई डाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू बी लर्न। अब अगर इसमें बहुत टाइम जा रहा है तो इतना भी फ्लेक्सिबल होना क्लास से पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है ना मैम, ये भी तो इस नहीं, नहीं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न। अब इसका ये बात कहीं से भी ये इम्प्लाई नहीं कर रही है कि कितना समय लग जाएगा, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप उस चीज में फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, कि अगर बच्चा आपने किसी चीज को प्लान किया है कि मैं एक क्लास में कराऊंगा, बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको और टाइम दे सकते हो या उसको अलग से आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। और ये क्या है, रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, बच्चे ने कुछ अगर आपसे पूछा, आपने उसको डांट दिया, ठीक है, आप उसमें तुरंत रिएक्ट कर गए उसकी बात पे, आप समझ नहीं रहे कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कॉम्पोनेंट है इफेक्टिव टीचिंग का? नहीं मैम। The correct answer will be 4. Okay?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे है. आइडेंटिफाई दोस फीचर ऑफ लर्नर बिहेवियर व्हिच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. तीन लेवल थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. मेमोरी था थॉटलेस, अंडरस्टैंडिंग था थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव था अपर थॉटफुल. ठीक है, इनके आंसर देखिए, मुझे बताइए क्या होगा. बी ऑप्शन मैम. जल्दी से क्वेश्चन देखिए, फिर मैं वापस जाके आपके आंसर्स चेक करूंगी कि आप क्या आंसर कर रहे हो. मैम क्वेश्चन एक बार. सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं. द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन इन ओन वर्ड. जो भी जानकारी है बच्चा अपने शब्दों में बता सकता है, तो वो तभी बता पाएगा जब उसको समझ होगी, जब उसको अंडरस्टैंडिंग होगी. पहला आंसर सही है आपका. द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल द फैक्ट, वो तुरंत वो फैक्ट याद कर लेता है जो उसको सिखाया गया. जब भी रिकॉल आएगा, रिप्रोड्यूस आएगा, वो हमेशा जाता है मेमोरी लेवल में. मेमोरी लेवल में ही बच्चा फैक्ट को अच्छे से याद करता है. के अपने वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, रट्टू तोता बनता है, जो उसको सिखाया जाता है तुरंत बता देता है. सेकंड नहीं होगा, बच्चा अपने वर्ड्स में एग्जांपल दे रहा है, बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ जाएगा, अपने शब्दों में एग्जांपल देगा. बच्चा अलग तरह से मतलब निकाल रहा है, ये भी बिल्कुल सही है. द स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूस अ सीक्वेंस थॉट, जब उसको सीक्वेंस कुछ आपने सिखाया, उसने उसको वैसे ही बता दिया. यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होगी कि जो बताया गया उसने उसको वैसे ही प्रोड्यूस कर दिया. सो आपके ऑप्शंस हो रहे हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज डी. सब ये आंसर कर रहे थे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ असेसमेंट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है. इंक्रीजेस लिख सकते हो आप. द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रेंसिक मोटिवेशन इज ऑप्टिमम. इसमें से कौन सा ऐसा असेसमेंट है कि बच्चे को वो अंदर से मोटिवेट करता है ताकि वो आगे अपना जो भी परफॉर्मेंस लेवल है वो इंक्रीज कर सके. इंट्रेंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन. मैम सी का मतलब क्या है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा. सबमिटिव असेसमेंट, ये जो क्लास की, क्लास नहीं, ये जो जो भी ड्यूरेशन है कोर्स की, अगर उसके सबसे लास्ट में जो असेसमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं सबमिटिव या एनुअल एग्जामिनेशन. इसका करेक्ट आंसर है ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्योंकि जब भी इंट्रेंसिक मोटिवेशन की बात होती है तो वहां पे हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, क्योंकि सीबीटी से मोटिवेशन से कोई रिलेशन नहीं है. सबमिटिव में क्या होगा कि आपका जो कोर्स था वो तो खत्म हो गया, अब अगर आप मोटिवेट हो भी रहे हो तो आप उस कोर्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ग्रेड्स आपको अलॉट हो चुके हैं. मे बी आप नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाओ, बट उस क्लास के लिए जो भी चीज है वो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके ग्रेड्स आ चुके हैं. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आपका इंटरनल मोटिवेशन आपको मिलता है कि अगर आपके मार्क्स कुछ कम है या आपको कहीं लग रहा है मुझे प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज को एड्रेस करके उसको वहीं पे दूर कर दो. तो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन स्किल्स और क्रिएटिविटी, इन चारों में से किस टेस्ट से अच्छे से इवेल्युएट की जा सकती है. क्रिएटिविटी और कंपोजिशन, ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव. ऑब्जेक्टिव बताए, एमसीक्यू टाइप. मैम
सेकंड मैम लेकिन बिल्कुल सही, ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं उस बच्चा कितना अच्छा किसी चीज को कंपोज कर रहा है, अपने वर्ड में लिख पा रहा है, कितनी क्रिएटिविटी है, आप ऐसे टाइप से जज करोगे। ऑब्जेक्टिव में उसकी क्या क्रिएटिविटी होगी, चार गोले हैं वो किसी का गोला भर रहा है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। शॉर्ट आंसर में भी वो इतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको अपना आंसर जल्दी से खत्म करना है। तो ऐसे टाइप टेस्ट में क्या होगा कि वो अच्छे से अपने वर्ड्स में अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अपने कंपोजिशन स्किल्स को शो कर सकते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन में। सो क्लास दैट इज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। आपका जो भी सिलेबस था वो पूरा हमने कवर कर लिया है, हमने सारे क्वेश्चंस भी कवर किए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो इसमें आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे एक बार पूछ लो, अदरवाइज दिस इज योर लास्ट क्लास ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। और मैम आपने इसका सब भेज दिया है क्या, जो भी पीपीटी आपने शो किया? नहीं, ये पीपीटी नहीं सेंड करी है मैम। आप करोगे क्या या नहीं कर, मतलब कर दूं।